हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने नवरात्रि के अंदर हर्बललाइफ शेक को कैसे आप डाइट के साथ मैनेज कर सकते हैं वो पूरा मैंने उसमें बताया था डाइट चार्ट। बट उसको लेकर के कुछ दो तीन कमेंट्स आए थे कि आप थोड़ा गलत गाइड कर रहे हैं, हर्बललाइफ शेक को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अन्न होता है, इसके अंदर सोया होता है। तो मैं आज वही मिथ क्लियर करने वाला हूं कि क्या आप नवरात्रि के अंदर या फिर उपवास फास्ट में व्रत में जो भी आपको लगता है उसमें आप हर्बललाइफ शेक को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हम यहाँ पे विथ प्रूफ बात करेंगे और जो होगा मैं आपको क्लियर यहाँ पे सच बताऊंगा, ओके। और अभी भी एक और चीज बोलूंगा कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपका भाई, जो भी आप मुझे समझते हैं, आपका भाई समझते हैं, आपका फ्रेंड समझते हैं, जो भी समझते हैं, मेरा काम है यहाँ पर रियलिटी को सामने रखना, उसके बाद चॉइस आपके हाथ में, ओके। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बललाइफ के जो प्रोडक्ट्स है कोई वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते और ना कोई बीमारी सही करते हैं। अगर उस पर्पज से अगर आप हर्बललाइफ को ले रहे हैं तो अभी से आप उसको बंद कर सकते हैं। गुड न्यूट्रिशन सोर्स से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हर्बललाइफ शेक फास्ट के अंदर हमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए हर्बललाइफ शेक जो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, मेन जो लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर सोया प्रोटीन है। आप पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसके अंदर सोया प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट है। सोया प्रोटीन और सोया प्रोटीन आइसोलेट में जमीन आसमान का फर्क है। हर्बललाइफ शेक के अंदर आप चाहे फॉर्मूला वन उठाए सोया प्रोटीन आइसोलेट, परसेंट प्रोटीन उठाएंगे सोया प्रोटीन आइसोलेट, और शेक में उठाएंगे तो सोया प्रोटीन आइसोलेट, इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट है। तो आपने अभी समझना पड़ेगा कि सोया प्रोटीन आइसोलेट और सोया प्रोटीन में फर्क क्या है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, सोया प्रोटीन हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोया प्रोटीन आइसोलेट, जहाँ पे आपके फास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इससे फास्ट नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो सोया प्रोटीन होता है, देखिए आप पहले ये समझिए कि हर्बललाइफ शेक बनता किससे है। हर्बललाइफ शेक मतलब इनके खुद के फार्म होते हैं कंपनी के, वहां से खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये, ओके। आप पहले यहाँ पे क्लियर हो जाइए, कहीं से कच्चा माल नहीं खरीदते, खुद का बनाते हैं, खुद उगाते हैं, यहीं से इनका पूरा चलता है। अब होता क्या है, जब सोया प्रोटीन जब ये करते हैं तब सोया के अंदर और बहुत से कॉन्टेंट होते हैं, जैसे कि कार्ब होता है, फैट होता है, फाइबर होता है, ये सारी चीजें होती है। तो वहां पे क्या करते हैं, इसको सोया प्रोटीन आइसोलेट बनाने के लिए इसके अंदर से जो आप फ्लोर बोल रहे हैं, जो आटा बोल रहे हैं, जो आपका कार्ब होता है, जो फैट होता है, वो सारी चीजें निकाल देते हैं और इसका जो सोर्स ले रखा है वो सिर्फ प्रोटीन सोर्स ले रखा है, ना कि होल सोया प्रोटीन है इसके अंदर। तो जैसे ही आइसोलेट इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आइसोलेट का मतलब होता है जीरो कार्ब, जीरो फैट, जीरो फाइबर, ओनली फोर प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। जो सोया प्रोटीन होता है उसके अंदर आपको लगभग 60-65 ग्राम परसेंट प्रोटीन रहता है, लेकिन जो सोया प्रोटीन आइसोलेट होता है उसके अंदर आपको 90% प्योर प्रोटीन मिलता है। जो आप ये देख रहे हैं ये बिना इसका 1% को टेस्ट नहीं होता, एकदम बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है। तो ये जो है ये सोया प्रोटीन आइसोलेट है, आप जो बात कर रहे हैं वो सोया प्रोटीन है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट बनाने के लिए जितना भी जो इसके दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट है, वो सारे निकाल दिए जाते हैं। देखिए ये थोड़ी सी बात बहुत डीप है, बहुत डीप है, बट आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। और मैं खुद एक मतलब 10 से 12 साल से मैं खुद एक फिटनेस लाइन में हूँ और 10 से 12 साल मुझे फिटनेस ट्रेनर मतलब ट्रेनर रह चुका हूँ, अभी भी कंटिन्यू हूँ। हवाला के अंदर भले मुझे 2-3 साल हुए लेकिन फिटनेस लाइन के अंदर मैं काफ़ी टाइम से हूँ। तो मैं ये मेरी पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मैं खुद कंज्यूम करता हूं इसको हर्बललाइफ शेक को फास्ट में, तो आप ले सकते हैं, आप वो मत सोचिए। आई नो आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, आप समझ रहे सोया प्रोटीन है तो सोया प्रोटीन से व्रत टूटता, मैं खुद बोलता हूं, बट सोया प्रोटीन आइसोलेट यानी कि उसका सिर्फ प्रोटीन कॉन्टेंट हमने यहां पर इसमें डाल रखा है, मतलब कंपनी ने डाला हुआ है, तो इससे आपके फास्ट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका फास्ट नहीं टूटेगा, आप इसको आराम से व्रत में ले सकते हैं, ओके। और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है जैसे आपका मन नहीं हो रहा है अंदर से, तो आप मन नहीं आप ना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे बात है क्लियरिटी की। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इसके कंटेंट की, इसके अलावा दूसरा कोई इसके अंदर कंटेंट या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपका फास्ट डैमेज हो सकता है,
तो सोया प्रोटीन की बात अलग है और सोया प्रोटीन आइसोलेट की बात अलग है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे आपको क्लीन चीट है, आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ओनली फॉर सोया प्रोटीन के अंदर से इसका सिर्फ प्रोटीन सोर्स इसमें डाला गया है। तो शायद अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, और आप खुद जाइए और खुद पढ़िए गूगल पर सोया प्रोटीन और सोया प्रोटीन आइसोलेट में क्या फर्क है, आपको वहां पे पूरा क्लियर पता चल जाएगा हर एक चीज, तो आप वहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैं खुद भी देखो, मेरे को जब कमेंट आता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे बहुत लोग सुनते हैं और मैं चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ पे कभी कुछ गलत चीज़ नहीं डालूंगा, है ना। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझिए, नो डाउट। और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आपका अभी भी मन नहीं मान रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको यूज़ ना करें। मैं आपको कोई फोर्सली नहीं बोल रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, बट यहाँ पे रियलिटी और जो भी एक है मिथ और रियलिटी की बात है, ठीक है। एंड होप कि शायद आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखो थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन है सोया प्रोटीन आइसोलेट, क्योंकि आप एक नॉर्मल फिटनेस वाले हैं, आपको इतना नहीं पता है, लेकिन एक मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ, सोया प्रोटीन और सोया प्रोटीन आइसोलेट जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को आप एक नहीं कर सकते, ठीक है। और भी अगर इसके बारे में आपको डिटेल जाननी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पे जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी अगर कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं बैठा हूं मेरे पैटर्न नॉलेज के साथ में वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।